राजा सिंह गर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष। अध्यक्ष, तेलंगाना में 2015-16 में ज़मीन सूखने के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। फिर अपने सरकार ने असेसमेंट करके केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी थी, तब केंद्र सरकार ने 799 करोड़ रुपीस तेलंगाना सरकार को भेजे थे तुरंत किसानों को पहुंचाने के लिए। लेकिन सरकार ने तुरंत वो पैसे नहीं भिजाकर एक साल तक उस पैसे को रोका और उसके बाद में किसानों तक वो पैसों को भिजाया। अध्यक्ष, पिछले साल भी 50% से अधिक वर्षा हुई हमारे तेलंगाना में, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान किसानों को हुआ। अभी हाल ही में गुलाब तूफान के कारण बहुत सारा नुकसान हमारे अन्नदाताओं का हुआ। अध्यक्ष, फसल बीमा योजना 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई थी, जो कि किसानों के लिए बहुत उपयोगी रही हुई ये योजना। तेलंगाना सरकार इस योजना का प्रीमियर नहीं देने के कारण और किसानों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। अध्यक्ष, हाल ही में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि तेलंगाना सरकार ने 2 साल का लगभग 800 करोड़ प्रीमियर बकाया है, नहीं दिया, जिसके कारण आज किसानों को नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष, और ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष, रैतु बंधु के तहत सरकार ने किसानों को 2 फसलों में 10,000 रुपये का एक अच्छा सा सहयोग दिया है, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन बीज के ऊपर सब्सिडी नहीं दिए, मशीनरी के ऊपर सब्सिडी नहीं दिए, डिंपिंग के ऊपर सब्सिडी नहीं दिए, इनपुट सब्सिडी भी नहीं दिए। सरकार द्वारा रैतु बीमा दिया जा रहा है, अधिकतर किसान फसल के नुकसान होने के किसान फसल नुकसान होने के कारण मर रहे। अध्यक्ष, अगर सरकार फसल बीमा योजना का लाभ सही तरीके से किसानों को देती है तो किसान नहीं मरेंगे। अध्यक्ष, मरने के बजाय किसान जो मरते हैं, अध्यक्ष, अगर हम उनकी फसल के ऊपर हम विचार करके कि कितनी फसल नुकसान हुई है, उसके ऊपर अगर विचार विमर्श करके अगर हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा किसानों को सपोर्ट रहेगा। अध्यक्ष, साथ ही साथ अध्यक्ष, जैसे मेरे साथी ने एक बात कही है कि किसानों को 1 लाख रुपये तक का लोन माफ़ करने का सरकार का वादा था, लेकिन 25,000 रुपये का ही लोन माफ़ करे अध्यक्ष, लेकिन बाकी का अमाउंट किसानों के ऊपर ही छोड़ दिया। अध्यक्ष, धन्यवाद। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటీస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000075 1751.